तो फाइनली गाइज आपके लिए वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप सभी को इंतजार था। और गाइज मैं जब तक उस कंपनी पर वीडियो नहीं बनाता, जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता कि ये कंपनी सही है या फिर गलत है, आप मेरे पास कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ज़ाइपेलेटर एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो लेकर आइए, हमें बताइए क्या हम यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो गाइज आ चुकी है आपके लिए ज़ाइप पर एक वीडियो जहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। क्या ये पेलेटर ऐप है, क्या यहां पर आपको लोन मिलता है, क्या क्या होता है यहां पर, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। क्या यहां पर सभी को लोन मिलता है या नहीं मिलता है, लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस अगर आप भी लेना चाहते हैं ज़ाइप से लोन, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप करना चाहते हैं पेलेटर अप्लाई तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ बेल आइकन जो दबा दे करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइस आपको उस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे गाइस आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप जाएंगे प्ले स्टोर में और यहां पर आपको दिखाई देगी एप्लीकेशन जिसका नाम है ज़ाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो मेरे भाई मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि भाई ज़ाइप पेलेटर एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाओ, यहाँ पर बताओ कैसे पेलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पर ये पेलेटर ऐप नहीं है, यहाँ पर आपको लोन मिलता है। और हाँ यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर देखेंगे अगर आप नीचे, ऑनलाइन लोन ऐप इंस्टेंट क्रेडिट बाय नाउ पेलेटर एनालाइज पैन। ये जो बाय नाउ पेलेटर इन्होंने लगा रखा है ये कीवर्ड है ओनली, यहाँ पर आपको लोन मिलता है। आप यहाँ पर ले सकते हैं 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन और यहाँ पर जो लोन मिलता है आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, यानी ऑफर जब आप यहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे तुरंत आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, यहाँ पर ये कंपनी आपका सिविल स्कोर भी देखती है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, ठीक है। KYC करनी होती है आपको यहाँ पर आधार कार्ड से, ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। 5,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन आपको मिलता है, देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 से लेकर 36% तक रहता है। 3 महीने से 12 महीने के लिए आप लोन ले सकते हैं, 2 से 5% प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर आपकी होती है, ठीक है। तो जो मेरे भाई बोलते हैं ना कि पेलेटर ऐप है ये, नहीं गाइज बिल्कुल नहीं, ये पेलेटर ऐप नहीं है, ये एक लोन ऐप है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट लगेगा, जहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है कुछ और ही मिलता है, क्या मिलता है मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको आज एक और बात बताना चाहता हूँ गाइज, मैंने यहाँ पर जब लोन अप्लाई किया तो एक साथ मैंने यहाँ पर 3 लोन अप्लाई किए, उन तीनों लोन में मुझे लोन मिला या नहीं मिला मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहना गाइज, आपको समझ आ जाएगा ये कंपनी वाकई में लोन दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए जो भी लाता हूँ सही होती है, आपको पता है मेरा, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ एप्लीकेशन ओपन। ऐसी एप्लीकेशन ओपन होती है, इंटरफेस आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, चेक लोन एलिजिबिलिटी एक्सेप्ट योर अप्रूव्ड ऑफर, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी ऑफर मिलेगा आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा, आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको यहाँ पर डालनी है। एक साथ 3 लोन मैंने अप्लाई किए तो इसलिए जल्दी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले गाइज आपको परमिशन देनी होगी, इसको स्टार्टिंग में आपको मैं सही दिखाया था, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या मेरे साथ हुआ यहाँ पर, क्या नहीं हुआ, सब कुछ इस वीडियो के अंदर। वीडियो बने रहना गाइज। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, नाम वही होना चाहिए जो आपके पैन कार्ड के अंदर हो, ठीक है। कंटिन्यू करना है आपको, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पर डालना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को इसके एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना होगा, जी हाँ गाइज आप देख लो वीडियो को, वीडियो में दिखा रहा हूँ गाइज, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट किया। उसके बाद गाइज देखते हैं यहाँ पर हमें लोन का ऑफर मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर चूज करना होगा आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। एक बार कंफर्म करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड। एक बात और गाइज, जहाँ पर आप बैठे हैं वो लोकेशन भी यहाँ पर ये चेक करेगा कि भाई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं आप, कोई और तो लोकेशन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन जो है मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर अभी बोलते हैं कि भाई अपना यहाँ पर आप जो है हाउस नंबर फ्लोर नंबर जो भी है आप डाल दीजिए, बिल्डिंग एंड स्ट्रीट डिटेल जो भी है आप यहाँ पर दीजिए हमें, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ही हम आपको लोन के लिए ऑफर करेंगे। मैंने डिटेल डाल दी, अब देखते हैं मुझे ऑफर मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। 3 एक साथ मैंने अकाउंट में लोन के लिए अप्लाई किया, तीनों मुझे ऑफर मिला है नहीं मिला, वीडियो बने रहना गाइस, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ जरूर देख लेना गाइस, क्योंकि वो करके आपको भी लोन मिलता है नहीं मिलता है आप भी उसको जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो वीडियो बने रहो, वीडियो छोड़कर जाना मत, मेरे लिए यहाँ पर ऑफर अभी तैयार हो रहा है, मुझे अगर लोन मिलता है तो मैं आपको जरूर यहाँ पर लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। और नहीं मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट लोन दूसरा अप्लाई करके दिखाऊंगा, उसमें नहीं मिलता तीसरा लोन आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर हम इसका देखेंगे कंपनी के बारे में, किसको लोन दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, क्या करना है क्या नहीं, वो हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है गाइज, अभी मेरे लिए ये लोन ऑफर चेक कर रहा है और देखते हैं लोन का ऑफर मिलता है नहीं मिलता है। इतने हमारे लिए लोन का ऑफर हमें मिले, आप इस वीडियो को लाइक कर दो यार, कुछ नहीं कर रहे आप, एक छोटा सा आपको
प्रेस करना है, लाइक कर दो वीडियो को। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इस तरह की हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस बहुत टाइम लगाता है यार ये लोन ऑफर चेक करने में, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपका सिविल स्कोर देख रहा है, क्रेडिट स्कोर कितना है आपका वो देख रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या किया उन्होंने, मुझे यहाँ पर वेट लिस्ट में डाल दिया। ये बोल रहे कि भाई आप वेट लिस्ट में हैं, लेकिन आप यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गए हम वेट लिस्ट में, और यहाँ पर बोल रहे कि आप बिल पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, जो हमें नहीं करने यहाँ से बिल पेमेंट करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन है फोन पे वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डाल दिया वेट लिस्ट में, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेक्स्ट लोन अप्लाई करेंगे किसी और के नाम से, देखते हैं उसमें भी मुझे लोन मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि आप बोलते हो ना, मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर नए नाम से नए पैन कार्ड नंबर डालकर एक नया लोन अप्लाई कर रहा हूँ, देखता हूँ मुझे यहाँ पर लोन के लिए ऑफर मिलता है या नहीं मिलता है सेकंड लोन के अंदर भी। क्योंकि आप बोलते हो ना कि भाई ये लोन दे रहा है, तो ये दे रहा है या नहीं दे रहा है यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक साथ मैं तीन लोन अप्लाई कर रहा हूँ अलग अलग, ठीक है, नाम पर, सिविल स्कोर भी इनमें घटिया सिविल स्कोर भी, अच्छा सिविल स्कोर भी है और बहुत अच्छा सिविल स्कोर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसका पैन कार्ड का नंबर डाल दिया जिसका मैं ये लोन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया, सेम प्रोसेस वही है जो अभी पहले हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन वोकेशन सब कुछ देखिए, मिला देखिए, और यहाँ पर भी इन्होंने इसको भी वेट लिस्ट में डाल दिया, सेकंड लोन भी वेट लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, पैसे खत्म हो गए भैया। अब मैं यहाँ पर लास्ट लोन अप्लाई कर रहा हूँ, एक तीसरा लोन। तीसरे लोन में हम क्या करेंगे, हम सैलरीड के हिसाब से लोन अप्लाई करते हैं, क्या ये सैलरीड को भी लोन देता है या नहीं देता है ये देख लो आप गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर जो है डाल दिया है पैन कार्ड का नंबर, उनका नाम डाल दिया यहाँ पर जिसका मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ, और वो एक सैलरीड है, ठीक है। सैलरीड के लिए भी हम यहाँ पर लोन अप्लाई करके देखते हैं। पहले लोन में हमने सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अप्लाई किया था, और मैंने यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, ये लास्ट लोन है, देखते हैं क्या ये सैलरीड को भी लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, ये लोन जो अप्लाई कर रहा हूँ ना गाइस, मैं दिल्ली में अप्लाई कर रहा हूँ, पहले मैंने अपनी सिटी के अंदर अप्लाई किया था, दूसरा लोन भी मैंने दिल्ली में अप्लाई किया, तीसरा लोन भी मैं दिल्ली में अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली आया हुआ था मैं, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पहले से ही है। तो देखिए सैलरीड के लिए यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम होता है, सैलरीड में आपको यहाँ पर आपका जब मेल आई डाल, एक पर्सनल ईमेल आई डी अलग होती है और कंपनी की ईमेल आई डी आपको डालनी होगी। मैं करता हूँ यहाँ पर सैलरीड चूज, ठीक है, देखते हैं ये सैलरीड को भी लोन देता है नहीं देता है, वीडियो बने ना गाइस, क्योंकि ये भी आपके लिए देखना जरूरी है क्या ये कंपनी सबको लोन दे रही है नहीं दे रही है। हमने सैलरीड चूज किया, अब यहाँ पर क्या बोले कि वर्क की ईमेल आईडी अपने डाल दीजिए, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए, मैंने यहाँ पर वो ईमेल आईडी डाल दी है। उसके बाद मंथली इनकम कितनी है आपकी, वो आपको यहाँ पर डालनी होगी सैलरीड की, ठीक है। और गाइस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा, सर्च में आ रहा है ठीक है, नहीं आया तो अदर कीजिएगा, नाम डालिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, या सैलरीड के लिए गाइस। और देखते हैं हमें तीसरे लोन के लिए भी ऑफर मिलता है या नहीं मिलता है गाइस, ठीक है। तो एक ही जो आपकी वर्क ईमेल आईडी है ये उसको भी वेरीफाई करेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा आपको। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वो कॉन्टैक्ट जो भी आप यहाँ पर वर्क ईमेल आईडी डालें उस पर एक ओटीपी आई, ओटीपी आपको यहाँ पर डालनी है और आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गाइस ये आपकी लोकेशन देखिएगा एक बार फिर से, कहाँ पर आप बैठे हैं। देखिए मैं जो दूसरा लोन अप्लाई कर रहा हूँ गाइस, ये दोनों लोन मैंने अप्लाई किया कहाँ पर, दिल्ली के अंदर, देख सकते हैं लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आ चुका है हमारी लोकेशन यहाँ पर दिल्ली वाली, और यहाँ पर मैंने डाल दिया फ्लोर नंबर अपना और जो है हाउस नंबर। उसके बाद गाइज यहाँ पर करते हैं चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं गाइज सैलरीड को भी लोन ऑफर करता है नहीं करता है। आप बोलते हो ना कि जैप पे लोन अप्लाई करो, जैप पे लोन अप्लाई करो, तो गाइज आपका भाई जैप पे लोन अप्लाई कर रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली इसने तीन मोबाइल नंबर ढूंढ लिया कि भाई इन तीन नंबर को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। ऑफर पता नहीं यहाँ पर मिला या नहीं मिला इसका पता नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑफर से आगे निकल चुके हैं, ऑफर तो नहीं मिला। मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है एक बार फिर से स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जब मैंने यहाँ पर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइज यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा है अभी मोबाइल नंबर को, ठीक है। और ओटीपी यहाँ पर डालनी है, ओटीपी डालने के बाद गाइज यहाँ पर क्या होगा, हमारे लिए ऑफर होगा, उसके बाद होगा तो मिल जाएगा नहीं तो नहीं मिलेगा। देखिए तो भाई देखिए यहाँ पर सैलरीड को भी लोन के लिए ऑफर इन्होंने नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर रेटिंग इसको देता हूँ ओनली 1, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बकवास एप्लीकेशन है, यहाँ पर कोई लोन ऑफर नहीं मिलता है। रेटिंग देख सकते हैं प्ले स्टोर की रेटिंग कितनी है, वो तो आप मुझे बोल लेते ना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा था। रेटिंग देखिए यहाँ पर 2.3 है, और ये 2.3 रेटिंग पता है कि वो इसलिए है कि भाई साहब ये वेट लिस्ट में डर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहा है, ठीक है। मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ कि ये एप्लीकेशन अच्छी है या नहीं है, आप सोच समझ कर यहाँ पर लोन अप्लाई करें, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट के साथ कुछ गलत हो जाए, हो सकता है सही हो जाए। मैंने तीन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो पर्सनल थे मेरे वो यहाँ पर डाल दिए हैं सिर्फ आपके कहने पर, ठीक है। इसलिए गाइज मैं नई नई एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। और देखिए यहाँ पर क्या लाला है, हेलो नाजमा परवीन, आप जो है वेट लिस्ट में है, मैं यहाँ पर 1 स्टार देता हूँ, सबमिट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ बकवास, ठीक है, बकवास सर्विस है यहाँ पर ये, ठीक है। इसको मैंने बकवास किया और सबमिट किया, यहाँ पर थैंक यू बोल दिया इन्होंने। तो गाइज क्या हुआ, यहाँ पर बाबा जी का ठुल्लू मिला, तीन लोन अप्लाई किए, तीनों लोन में किसी को ऑफर नहीं किया और ना ही इनके पास इतने पैसे हैं, ये केवल कुछ सिटी के अंदर लोन दे रहे हैं गाइज, ठीक है, और वहाँ पर भी अच्छी खासी इंटरेस्ट वगैरह ले रहे होंगे, ठीक है। तो आपने देखा मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ लोन अप्लाई करके दिखाया जाइप में, और ये कोई पेलेटर ऐप नहीं है गाइज, कोई क्रेडिट लाइन ऐप नहीं है, लोन मिलता है जिस तरीके से और कंपनी में लोन मिलता है, इसी तरीके से यहाँ पर मिलता है, और लोन में भी अच्छा अच्छा खासा इंटरेस्ट वगैरह इनसे लेते हैं आपसे।
तो थोड़ा सोच समझ के लोन अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ज़ैप में कैसे लोन अप्लाई करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना गाइज। फिर भी आपका मैं ट्राई करता रहेगा, किसी न किसी को तो लोन का ऑफर करेगा जरूर, ठीक है। जैसे लोन ऑफर करता है फिर मैं आपको उसकी डिटेल ही बताऊंगा कितना लोन देने पर क्या आपसे ले रहा है, ठीक है। वो भी दिखाऊंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो बने रहना गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे इस तरह की वीडियो आपके लिए आ जाएगी जब तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।